एपिसोड 797 जख्मी ध्रुव। अनन्या विक्की और जुल्मी को लेकर एक चट्टान के पीछे गई और वहां उन दोनों को बिठाती हुई बोली, तुम दोनों यहीं रहना, मैं ध्रुव को ढूंढती हूँ। विक्की बोला, नहीं प्लीज यहाँ से मत जा, यहाँ क्या हो रहा है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, ध्रुव भी यहाँ नहीं है और तू भी चली जाएगी तो ऐसे में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे। अनन्या इरिटेट होते हुए बोली, तो तुम लोगों को यहाँ आने के लिए कहा किसने था, मैं मैनेज कर लेती ना। विक्की बोला, हर कोई मैनेज ही कर रहा है, ध्रुव ने भी कहा था कि वो मैनेज कर लेगा लेकिन देखो अभी वो खुद गायब है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ था, सुमेर के साथ उसका आर्ग्यूमेंट हो रहा था। जुल्मी बोला, ये सब छोड़ो, पहले तो आप ये बताओ अनन्या जी, आप ठीक तो हैं, आप लोगों का फोन नहीं लग रहा था, आप लोग कहाँ थे और छलावा और सागर कहाँ है। अनन्या ने कहा, मुझे नहीं पता। विक्की बोला, तुझे नहीं पता मतलब, तुम तीनों तो साथ में थे ना। अनन्या ने कहा, हाँ हम साथ में थे लेकिन अलग हो गए, उसके बाद मैं उन दोनों को ढूंढ रही हूँ लेकिन वो दोनों मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं, और तुम लोग जानते भी नहीं होगे कि ये जगह कौन सी है ना। विक्की ने कहा, सुमेर 108 बार कह चुका है कि ये उसकी बनाई हुई मायावी दुनिया है, ये पाताल में है, यही सब ना हम जानते हैं इस जगह के बारे में। अनन्या इनकार करती हुई बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जगह अपने आप में एक दरवाजा है। विक्की बोला, दरवाजा, कैसा दरवाजा। अनन्या गहरी सांस लेकर बोली, शैतान को धरती पर लाने के लिए एक दरवाजे की जरूरत होती है और इस जगह को उसी वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम लोगों को याद नहीं है, ध्रुव ने भी कहा था कि सुमेर इन लोगों के लिए एक चाबी की तरह काम कर रहा है, गिरवर के बाद इन्हें किसी की जरूरत थी और उनकी वो जरूरत सुमेर पूरी कर रहे हैं। जिस तरह से गिरवर के महल में शैतानी दुनिया का दरवाजा खोलने का काम शुरू हुआ था जो कि मेरी वजह से पूरा नहीं हो पाया था, वैसे ही अब वही सारी चीजें यहाँ हो रही हैं और इसीलिए वे लोग मुझे हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि बंजारन और मैं पहले से यहाँ मौजूद हैं तो उन लोगों को मेरी जरूरत है क्योंकि मेरे बिना ये संभव नहीं है। विक्की हैरानी से बोला, क्या बात कर रही है, यहाँ इतना सब कुछ हो गया। अनन्या ने कहा, वही तो, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, अभी तक सिर्फ यही सोचा जा रहा था कि यहाँ बस बंजारन की मदद की जा रही है, हमें ये लगा कि उसकी शक्तियाँ जो कि कमजोर हो चुकी थी उन्हें वापस लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बंजारन ने जानबूझकर अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया कि वो बेबस असहाय और लाचार है, लेकिन सच तो ये है कि उसने सुमेर का बखूबी इस्तेमाल किया है और ये बात तो हम सब भी अच्छी तरह से जानते थे कि बंजारन सुमेर का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो बेवकूफ सुमेर ये समझ रहा था कि वो बंजारन की शक्तियों को हासिल कर लेगा। अरे बंजारन चाहे तो ऐसे कई सुमेर को एक सेकंड में मसल कर फेंक सकती है, लेकिन सुमेर को ये बात समझ में ही नहीं आएगी। विक्की बोला, तो अब क्या किया जाएगा, ये सारी बातें जल्द से जल्द ध्रुव को पता होनी चाहिए। और एक बात बता, तू छलावा और सागर से अलग कैसे हुई और फिर यहाँ हम तक कैसे पहुंच गई। अनन्या ने कहा, हवेली के नीचे सब कुछ बिल्कुल अलग था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से जाएं, कहाँ आए, और फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मैं जमीन के भीतर जैसे समा सी गई, मुझे पता भी नहीं चला और मैं छलावा और सागर को आवाज देती रह गई, उन लोगों को समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा था, और जब मैंने अपने आप को यहाँ पाया तो मैं समझ गई कि यहाँ सब कुछ बहुत आगे बढ़ चुका है, तब से मैं लगातार छलावा और सागर को आवाज दे रही हूँ, मुझे लगा शायद वो भी यहीं कहीं होंगे तो मेरी आवाज उन्हें सुनाई देगी, लेकिन शायद उन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तब से मैं ढूंढ रही हूँ कि यहाँ कोई तो मिले लेकिन यहाँ मुझे कोई नहीं मिल रहा। विक्की ने शक भरी नजरों से अनन्या को देखा। अनन्या बोली, क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। विक्की ने कहा, अगर तुझे यहाँ कोई नहीं मिला तो तुझे कैसे पता चला कि ये जगह किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है, कि ये कोई दरवाजा है वगैरह वगैरह। अनन्या बोली, क्योंकि मैं जुल्मी ने कहा, अनन्या जी आप मैं क्यों कर रही हैं, आपको जो कहना है खुलकर कहिए ना, आप डरिए नहीं, हम हैं ना आपके साथ। अनन्या ने कहा, हाँ वो मैं किसी से मिली थी। विक्की बोला, अभी तो तूने कहा कि तू यहाँ किसी से नहीं मिली, कोई नहीं था, और अभी तू कह रही है कि तू किसी से मिली, तू पहले खुद में क्लियर हो जा कि तू कहना क्या चाहती है। अनन्या ने कहा, वो मैं बंजारन से मिली थी। ये सुनते ही विक्की और जुल्मी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विक्की बोला, तू बंजारन से मिली, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, बंजारन के पास तो कोई शरीर ही नहीं है, वो तो सिर्फ एनर्जी की तरह काम कर रही है ना। ये सुनते ही अनन्या के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और वो विक्की की आंखों में देखती हुई बोली, तुमसे किसने कह दिया। विक्की ने कहा, क्या किसने कह दिया। अनन्या बोली, यही कि बंजारन के पास कोई बॉडी नहीं है। अनन्या ने फिर अजीब तरीके से मुस्कुराकर कहा, वो बंजारन है विक्की, वो जब चाहे जैसा चाहे जिसकी चाहे उसकी बॉडी ले सकती है। जुल्मी धीरे से बोला, अरे वो इच्छाधारी नागिन नहीं होती जो किसी का भी भेस बदल लेती है,
ये वैसा ही होगा कुछ। अच्छा हाँ, अब समझ में आया। जुल्मी ने एकदम से चौंकते हुए कहा तो विक्की और अनन्या दोनों ही उसकी तरफ देखने लगे। जुल्मी बोला, विक्की एक चीज पर तो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, छलावा में जो कोई शक्तियां हैं उन शक्तियों से छलावा भी तो रूप बदल सकता है ना। विक्की बोला, हाँ तो। जुल्मी ने कहा, अरे ये बंजारन तो उसकी अम्मा है, तो जाहिर बात है ना बंजारन की शक्तियां ही उसके बच्चों में भी आएंगी, तो छलावा में अगर रूप बदलने की शक्ति है फिर तो बंजारन में भी ये शक्ति होगी ना, और उसके बच्चों में जो शक्तियां होंगी वो बंजारन में भी जरूर होंगी, ये सोचो। अनन्या ने जुल्मी को देखते हुए कहा, तुम तो बहुत समझदार हो। ये सुनकर जुल्मी शर्माता हुआ बोला, अनन्या जी हम तो हमेशा से ही समझदार थे, आप हमको कभी नोटिस किए ही नहीं, आप तो हमेशा ध्रुव को ही नोटिस देते रहे। विक्की बोला, भाई नोटिस तो तुझे मिलेगा, वो भी कोर्ट का, ऐसी बकवास बातें करने के लिए। और तू जो कह रहा है ना उसको नोटिस करना कहते हैं, नोटिस देना नहीं। अनन्या के सामने अपनी बेइज्जती होती थी, एक जुल्मी ने तेवर दिखाते हुए कहा, अभी यहाँ पर तुम हमारा अंग्रेजी का मास्टर बनोगे, हम बताएं तुमको। अनन्या ने कहा, मैं तो बेमतलब में ही ध्रुव को सबसे ज्यादा समझदार समझती थी, तुम लोग भी कम नहीं हो, ये तो मानना पड़ेगा। खैर अब जब तुम लोग इतने समझदार हो तो तुम लोगों को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। विक्की को पता नहीं क्यों अनन्या की बातें और उसकी मुस्कुराहट बहुत अलग लग रही थी। विक्की बोला, नहीं नहीं हम लोग यहाँ कंफर्टेबल हैं, तू जा, जाकर ध्रुव को ढूंढना। अनन्या ने कहा, नहीं मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को इससे भी ज्यादा सेफ जगह पर ले जाती हूँ। विक्की बोला, और तुझे कैसे पता यहाँ पर कौन सी जगह कितनी सेफ है। अनन्या ने कहा, मैं इतनी देर से यहाँ भटक रही हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। विक्की ने कहा, ठीक है अच्छा ये बता तू बंजारन के बारे में क्या कह रही थी। अनन्या ने कहा, बस यही कि वो चाहती है कि मैं उसका साथ दूं, वो मुझे एक मौका देना चाहती है। विक्की को अनन्या और उसकी कहानी, उसकी किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, ठीक है तू आगे चल, हम तेरे पीछे पीछे आते हैं। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। विक्की ने जुल्मी का हाथ पकड़ा और बोला, चल मेरे साथ। जुल्मी बोला, कहाँ। विक्की बोला, इस तरफ। विक्की ने अनन्या के ऑपोजिट साइड में इशारा किया। जुल्मी बोला, लेकिन अनन्या जी तो उधर जा रही हैं, तो हम इधर क्यों जाएंगे। तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा, वो हमको ज्यादा सुरक्षित जगह पर लेकर जा रही हैं, और तुम कह रहे हो उल्टी तरफ जाना है, इधर कोई खतरा हुआ तो कैसे निपटेंगे। विक्की ने कहा, मुझे अनन्या कुछ ठीक नहीं लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते जुल्मी, हम इसके साथ नहीं जा सकते। ये सुनते ही जुल्मी ने उंगली दिखाते हुए कहा, खबरदार विक्की जो अनन्या जी के खिलाफ एक भी शब्द बोले तो हमारा मजाक उड़ा लो, हमको जो कहना है कह दो, हम हमारी अनन्या जी, हमारा मतलब है अनन्या जी, उनके खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते। विक्की ने उसके कान मरोड़ते हुए कहा, अबे मजनू की औलाद वो अनन्या, कैसे समझाऊं मैं तुझे, उफ मुझे कुछ नहीं समझाना, तू बस पहले मेरे साथ चल। इतना कहकर विक्की जुल्मी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर आगे चला गया। एक तरफ जहां विक्की और जुल्मी ध्रुव से अलग हो गए थे, वहीं ध्रुव सुमेर के पीछे था। सुमेर बड़ी तेजी से भाग रहा था और ध्रुव लगातार उसका पीछा कर रहा था। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सुमेर भाग क्यों रहा था, लेकिन इतना तो तय था कि वो ध्रुव को कहीं लेकर जाना चाहता था। ध्रुव को अपने दोस्तों की भी फिक्र थी जिन्हें वो अपने पीछे छोड़कर आया था, लेकिन इस वक्त सुमेर का पीछा करना ज्यादा जरूरी था। काफी दूर तक जाने के बाद जब सुमेर नहीं रुका, तब ध्रुव ने अपने हाथों को गोल घुमाया और एकदम से पूरे फोर्स के साथ सुमेर की तरफ फेंका। ऐसा लगा जैसे सुमेर को हवा का एक तेज झोंका लगा हो और वो घुटने के बल जमीन पर गिर गया, और तब तक ध्रुव फुर्ती से आकर सुमेर की गर्दन को पकड़ चुका था। ध्रुव ने सुमेर को अपनी तरफ घुमाया और उसकी गर्दन पर और ज्यादा दबाव बनाते हुए कहा, अगर तुम्हारा मैराथन खत्म हो गया हो तो ये बताओ तुम भाग क्यों रहे हो। सुमेर मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नजर नहीं आ रहे, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने दोस्तों को मरने के लिए वहीं छोड़कर भाग आए। ध्रुव बोला, उनकी फिक्र मत करो, उनको कुछ नहीं होगा, मेरे दोस्तों को अपनी सेफ्टी के लिए किसी स्पेशल पावर की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में इतने कैपेबल हैं। तुम बस अपनी फिक्र करो और मेरे सवाल का जवाब दो, तुम इस तरह से भाग क्यों रहे थे, आखिर तुम कर क्या रहे हो सुमेर। सुमेर ने कहा, तुम्हें पता है ठाकुर सज्जन सिंह जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो जो बातें बोलते थे, बाकी बातों पर तो मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन एक बात थी जो वो अक्सर बोलते थे, वो बात मुझे बड़ी सही लगती थी, जानते हो क्या, कि अपने दुश्मन को बिना जाने बिना समझे उसकी ताकत का अंदाजा लगाए बिना उसके घर में घुसा नहीं करते, उन्हें छेड़ा नहीं करते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दुश्मनों को कम आंक लेते हैं लेकिन वो हमारी समझ से बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं, और ऐसे में क्या होता है ना कि हम अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।
इतना कहते हुए सुमेर ने फुर्ती से ध्रुव का गला पकड़ा और उसे सीधा लेकर जमीन पर पटक दिया। अब ध्रुव पूरी तरीके से सुमेर के काबू में था। सुमेर ने ध्रुव के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा जिससे उसकी नाक से खून टपकने लगा, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो बस गुस्से भरी नजरों से सुमेर को देखता जा रहा था। सुमेर ने ध्रुव के सीने पर अपना घुटना रखते हुए कहा, बहुत हिम्मत है ना तुम्हें, तुम्हें अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड है ना, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर सुमेर उठकर खड़ा हुआ और उसने ध्रुव के दोनों हाथों को पकड़कर उसे घसीटता हुआ अपने साथ लेकर आगे बढ़ा। जैसे जैसे सुमेर आगे बढ़ रहा था, ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास गर्मी बढ़ती जा रही थी। उस जगह पर तपिश इतनी ज्यादा थी कि ध्रुव पूरी तरीके से पसीने में भीग चुका था। उसकी नाक से बहता हुआ खून जमीन पर गिरता जा रहा था, लेकिन ध्रुव अपने मुंह से उफ तक नहीं कर रहा था। शायद वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। आखिर में काफी आगे तक जाने के बाद सुमेर ने ध्रुव को छोड़ दिया। ध्रुव ने अपने आसपास देखा तो पाया चारों तरफ फैले अंगारों के बीच में एक चट्टान थी जिस पर ध्रुव लेटा हुआ था और सुमेर उसके सामने खड़ा था।